जय श्री श्याम। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है पनीर टिक्का, वो भी बिल्कुल बाजार जैसा और तवे पर। सबसे पहले हम पनीर टिक्के का मैरिनेशन तैयार करेंगे। एक बाउल में हम 200 ग्राम हंकड़ लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम गाढ़ी दही चाहिए हमें। एक टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल डालने से इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आता है। हाफ टी स्पून रोस्टेड जीरा डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून चिली पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। 1/4 टी स्पून अजवाइन डालेंगे। सॉल्ट हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून रोस्टेड बेसन डालेंगे। बेसन को मैंने पहले से रोस्ट करके रखा हुआ था। 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन बाइंडिंग का काम करता है। ये सभी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। नमक हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैरिनेशन में हम सारी सब्जियां ऐड करेंगे। ये मैंने कलर कैप्सिकम ली है, इसको मैंने इस तरह से स्क्वायर में क्यूब काट के रखे हुए हैं, छोटे छोटे इस तरह से काट के रखने हैं। ये मैंने मीडियम साइज का एक प्याज लिया हुआ है, इसके हमने इस तरह से पेटल काटी हुई है। ये मैंने एक मीडियम साइज का टमाटो लिया हुआ है, टमाटर को भी हमने इस तरह से स्क्वायर काटा हुआ है। टमाटो की मैंने सीड्स निकाली हुई है, ध्यान रखें सीड्स इसमें नहीं होनी चाहिए। ये 250 ग्राम पनीर लिया है मैंने, पनीर की मैंने मोटी मोटी क्यूब्स काटी हुई हैं। ये सभी चीज़ें इसमें हम डाल देंगे। अब हम अपने हाथ से इसको मिक्स करेंगे। ध्यान रहे हाथ हमारे अच्छे से वॉश होने चाहिए, बिल्कुल साफ होने चाहिए। सभी वेजिस को हम इसमें अच्छे से कोट करेंगे, जिससे इसमें अंदर तक मसाला जाए सारा और फ्लेवर बहुत अच्छा निकल गया है इसका। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे इसमें सारी सब्जियों में इसमें अंदर तक फ्लेवर जाएगा सारे मसालों का और टेस्ट बहुत अच्छे से निकल के आएगा इसका। सभी सब्जियों को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी हैं। सभी वेजिस को हम एक स्टिक पे लगाएंगे। मैं यहाँ पे 3 से 4 स्टिक रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने पहले अनियन, कलर कैप्सिकम, फिर पनीर लगाया है, फिर कैप्सिकम और अनियन लगाया है। इसी तरह से हम 3-4 स्टिक रेडी करेंगे। पनीर टिक्का आज मैं तवे पे ग्रिल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको प्लेन तवे पे भी बना सकते हैं या तंदूर में भी बना सकते हैं। पहले तवे पे हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल से, फिर थोड़ा सा हम बटर डालेंगे और अच्छे से उसको चारों तरफ से लगा देंगे और हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे, अब सभी स्टिक को हम तवे पे रखेंगे और इनको चारों तरफ से हम अच्छे से सेकेंगे। पनीर टिक्का थोड़ा थोड़ा सिकना शुरू हो गया है, अब इनको हम धीरे धीरे पलटते रहेंगे और अच्छे से सिकने देंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अच्छा क्रिस्पी ना हो जाए। ये देखिए पनीर टिक्के का बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, इसका मतलब हमारा पनीर टिक्का बनके रेडी हो चुका है। अब पनीर टिक्के का हम प्लेटर रेडी करेंगे। इसमें पहले हरे धनिया की चटनी रखेंगे। अब पनीर टिक्के की स्टिक को हम अरेंज करेंगे इसमें। थोड़े से प्याज के लच्छे रखेंगे, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डालूंगी चाट मसाला, कुछ बूंदे डालेंगे हम नींबू के रस की और ये हमारा बहुत टेस्टी अनियन भी रेडी हो गया इसके साथ में। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी पनीर टिक्के का प्लेटर बनके रेडी हो चुका है। पनीर टिक्का आप एक बार घर में जरूर ट्राई करें बना के, ये आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये बिल्कुल आपको मार्केट जैसा लगेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।